आप सबका लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार आज योग अभ्यास सीरीज में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे वज्रासन, जिसे डायमंड पोज भी बोलते हैं। यह हमारे शरीर में एक क्षमता पैदा करता है वज्र को बचाने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह एक अचूक योग है हमारे शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए। ये शक्ति प्रदान करेगा आप जो कुछ भी खाएं इसे पचा देने के। यह कैसे होता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या विधि है, इसमें क्या सावधानियां बरतनी है, आइए इन सभी चीजों का आज हम विस्तार में आपको कुछ ही समय में जल्द से जल्द बताते हैं। तो शुरू करते हैं विधि से। अभी मैं बैठा हुआ हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे शुरू करते हैं। आप खड़े हैं, बैठे हैं, इस तरह से आप घुटने के बल निलिंग पोजीशन में आ जाए, निलिंग पोजीशन, और ये दोनों हिल बाहर की ओर, दोनों अंगूठा जुड़ा हुआ होना चाहिए, इस तरह से आप कर लें। ये स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, किसी से सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। चिन को अपने ठुड्डी को जमीन के समानांतर रखिए, हाथ दोनों सीधा, आँख को चाहे बंद कर सकते हैं या आँख को खुला रखें। इस तरह से 5 से 10 मिनट तक बैठिए। यह है वज्रासन, सबसे आसान योगा है और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। यही एक योगा है जो कि हम भोजन के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। अन्यथा मित्रों, आपको मालूम है योगा या किसी भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें 5 से 6 घंटे का भोजन के बाद गैप होना चाहिए। यही एक है, आपको मैं बताता हूँ वास्तविक वज्रासन यह हमें किस तरह से हमारे शरीर में फायदा पहुंचाता है। तो पहले इसके लाभ देख लीजिए विस्तार में, वज्रासन के क्या क्या लाभ। का संचार नाभि केंद्र की ओर रहता है, इससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट से संबंधित रोग दूर होने लगते हैं। इस आसन से पाचन तंत्र सुगम रहता है और पेट की दूसरी बीमारियां भी दूर हो जाती है। अब चूंकि आप लाभ से अवगत हो गए हैं तो विधि देख लीजिए, फिर से मैं बताता हूँ। आप कैसे भी बैठे हुए हैं, आप सुखासन में हैं, आप यह वज्रासन कहीं भी कर सकते हैं। भोजन के बाद, सुबह के नाश्ता के बाद, दोपहर के भोजन, रात्रि के भोजन, आपको सिर्फ निलिंग पोजीशन में आ जाना है। इस तरह से आइए, यहाँ दोनों एड़ी को बाहर, अंगूठा को सटा लिए, इस तरह से आप टीवी देख सकते हैं। खाना के बाद अपना समय सदुपयोग कीजिए, 5 से 10 मिनट तक ही कीजिए। ये तो करने की विधि, इसी में कुछ एडवांस स्टेज है, आप इस तरह से ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इससे आपके थाई के मसल एक्टिव होंगे, मजबूत होंगे। ये हो गए करने की प्रक्रिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि यह कैसे हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये हमारे पैर, ये जो पिंडलियाँ हैं, ये पिंडलियाँ हैं, ये यहाँ हमारे पाचन तंत्र की नाड़ियाँ हैं। जब हम इस तरह से बैठते हैं, इससे दबा के ये दब जाते हैं और इससे हमारे लीवर, अमाशय, यकृत सभी को कंट्रोल करते हैं। जो हार्मोन्स जरूरी चाहिए जो लीवर निकालते हैं, ये ज़्यादा स्राव हो जाता है। इस तरह से अगर सामान्य भोजन को पचाने में 2 घंटे लगते हैं तो ये 1/3 कर देता है, यानी कि जल्द से जल्द आपको पचा देता है। और सिर्फ पचाता ही नहीं, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म करता है और इससे जो पोषक तत्व होते हैं इसे भी शरीर में पहुंचाता है। यही इसलिए यहाँ के पिंडलियों को दबाने से हमें ये सभी नाड़ियाँ सक्रिय हो जाती है। तो ये है किस तरह से हमारे
शरीर को फायदे पहुंचाते हैं। आइए हम देखते हैं सावधानियां इसकी क्या है। सावधानियां, इसे जिन लोगों ने घुटने का ऑपरेशन कराया है वो ना करें। आप 10 से 15 मिनट से ज्यादा ना करें, आधा आधा घंटा नहीं बैठें, नहीं तो आपके घुटने पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और ये नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको लंबे समय तक करना ही है तो थोड़ा घूम के आ जाइए फिर कीजिए। तो इन्हीं सब हिदायतों के साथ अगर आप वज्रासन करते हैं सही तरीके से, सही तरीका कुछ नहीं है, दोनों एड़ी बाहर की ओर, अंगूठा दोनों सटा होना चाहिए, इस तरह से शरीर आपका बिल्कुल इरेक्ट, इधर सीधा ऐसे बैठिए, हाथ ऐसे रखिए, टीवी देखते रहिए, 5 से 10 मिनट कीजिए। यही है सबसे आसान वज्रासन, जिसके सचमुच अद्भुत और अनोखे लाभ हैं। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहे हैं तो आज से प्रारंभ कीजिए और देखिए इसके प्रभाव। तब तक मैं नरेंद्र कुमार आपको इस फुल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर मिलता हूँ मैं।